नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों, जो नए टॉपिक पे बात करेंगे, पिछली बार मैंने बताया था कि मैं कितना कमाता हूं, ठीक है। उस वीडियो के बाद सेकंड वीडियो ये बना रहा हूं साथियों कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं बड़ा परेशान हूं। क्योंकि इसका रीज़न ये है, मैं बता दूं आपको। क्योंकि साथियों, इसका रीज़न ये है कि कॉल इतने ज़्यादा आते हैं कि मैं अटेंड नहीं कर पाता। हर इंसान को सर्विस देना बड़े मुश्किल होता है, कॉल भी अटेंड करना। और कॉल अटेंड नहीं करो ना, तो भैया गालियाँ पड़ती हैं, कमेंट में गालियाँ पड़ती हैं, व्हाट्सएप पे लोग गालियाँ कर देते हैं। अब उनको क्या करें भाई, रात को 11 बजे या तो उनको जवाब दो, जवाब नहीं दोगे तो गालियाँ मिलेंगी, क्योंकि नंबर अब व्हाट्सएप पे यूट्यूब पे छोड़ दिए ना, फ्री फोकट। यानी देखिए, बात करूंगा कड़वी करूंगा, इंसान को फ्री ऑफ कॉस्ट में चाहिए सब कुछ। यानी फ्री फोकट में लोगों को खाने की आदत पड़ चुकी है, ठीक है। क्योंकि नंबर दिखते हैं यूट्यूब पे, नंबर निकाल लिए। एक आदमी दिन में 4 बार फोन कर लेता है, किसी एजेंट के पास लगा रखा है, सर ये बोलता है, सर वो बोलता है, अरे भाई मैं क्या करूं, मैं बोलता हूँ। यानी उनको जवाब देते देते माइंड पक जाता है, यानी माइग्रेन की प्रॉब्लम होने लग जाती है इंसान को। अगर रोज के 200 250 300 कॉल अगर रोज अटेंड करता है एक इंसान, तो कितना हालत खराब होती होगी। इतना फोन तो साला कस्टमर केयर वाला फोन भी इतना बिजी नहीं रहता जितने कॉल आते हैं। सबको फ्री कॉस्ट में जानकारी चाहिए, नंबर मिल जाते हैं, आगे से आगे कॉल करते रहते हैं, ठीक है। तो इस सिस्टम से बचने में दिक्कत, या बचने के लिए कुछ मैंने उपाय सोचा है। और इसमें मेन बात यह है कि जिस इंसान को सख्त जरूरत है, उसको उसका कॉल नहीं लग पाता। लोगों का बोलते हैं, सर 10 दिन हो गए ट्राई करते, आपका नंबर नहीं लगता। एक बंदे का फोन है, सर 1 महीने से ट्राई कर रहा हूँ, आप बताओ क्या करें उनके लिए। या तो 24 घंटे नंबर खोल के बैठ जाऊँ, सामने रख लूँ, हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा करने लग गया तो फिर क्या होगा। हर इंसान का अपने लालच के लिए करते हैं। आप वीडियो देखते हो तो अपना आपका स्वार्थ है भाई, मेरा स्वार्थ उसमें नहीं है। कि आप अगर वीडियो देख रहे हो मेरे लिए थोड़ी देख रहे हो, आप अपने स्वार्थ के लिए देख रहे हो। जिस दिन अपना स्वार्थ हट गया, वीडियो देखना बंद। मानते हो इस बात को आप, जो बातें हैं ना वो आपसे हाँ करनी है आपको। अगर सही है तो हाँ करें, ना करें तो ना, अगर गलत है तो ना कर सकते हैं। एक इंसान, आप विदेश जाते हो किस लिए, पैसा कमाने के लिए, समझ रहे हो, एजेंट के पास जाते हो। वो अपना हर इंसान का स्वार्थ होता है, इस दुनिया स्वार्थी है, स्वार्थ के बिना कोई इंसान कदम भी नहीं रखता, समझ रहे हो बात को। तो बात वही आ जाती है, मैंने आपसे पहले कमिटमेंट किए थे कि मैं आपकी ऑफिस के माध्यम से हेल्प करेंगे, कानूनी या बाहर में विदेश में, मैंने काफ़ी सारे वीडियो भी डाले थे। उन सब की हेल्प करने के लिए क्या होना चाहिए अपने पास। इंसान टाइम तो दे देता है साथियों, टाइम के साथ में पैसों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब पैसा आएगा कहाँ से। अब लोग कमेंट कर देते हैं, सर आप तो एजेंट हो, आप तो दलाल हो, ये हो भैया। उन लोगों के मुंह पे भी ये मतलब बंद हो जाएगा उनका, कि वो बोलते हैं सर आप एजेंट हो इसलिए वीडियो बना के डालते हो। तो भैया मैं अभी करने वाला हूँ दूसरा एक सिस्टम। अगर आप मुझे कॉल करोगे चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है, एकदम लीगल है, ओरिजिनल है, कोई दिक्कत कोई रोक टोक करने की जरूरत नहीं। इस पे तो आप कमेंट ना करें तो बेस्ट होगा, कि मैं बिल्कुल चार्ज फीस ले सकता हूँ लीगल एडवाइज़र जॉब काउंसलर की। अगर आप मेरे पास कॉल करोगे, मेरे पास आओगे, मुझे मिलोगे, तो मैं फीस चार्ज करूँगा। सीधी सी बात है, डिग्री लेके ऐसे नहीं बैठा। डिग्री का क्या मतलब होता है, हर इंसान के पास डिग्री होती है। जो इंसान डिग्री लेके बैठता है ना, वो कमाने के लिए बैठता होगा, और कमाने के लिए क्या होना चाहिए। फिर इतने दिन ठीक है सिस्टम चल रहा था, लेकिन अभी उसमें दो ऑप्शन होंगे, या तो मैं फीस चार्ज करूं, फीस चार्ज नहीं करता हूं तो फोन बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इतने कॉल अटेंड नहीं कर पाता साथियों। अगर मैं करता हूं तो मेरा काम कौन करेगा। पिछले वीडियो में बताया मैं 24 घंटे में 22 घंटे आपके सिस्टम में यूट्यूब में पड़ा रहता हूं मैं, तो फिर मेरा पर्सनल काम, मेरी इनकम मैं क्या करूंगा। घर परिवार सब बीवी बच्चे सबके होते हैं। आप भी विदेश में बैठे हो तो अपने लिए बैठे हो या किसी दूसरे गांव वालों के लिए बैठे हो, सिर्फ अपने लिए, ठीक है। इसमें इस ये अगर मैं ऑफिस खोल के आप लोगों की हेल्प करता हूँ तो क्या खर्चा नहीं लगेगा। मानते हैं ना, एक घर में मिनिमम 20-30 हज़ार रुपये नॉर्मली इंसान का खर्चा लग जाता है। तो अगर इस सिस्टम में घुस गया तो इनकम का, इनकम तो जीरो है, तो ये मेंटेन कैसे होगा। आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं 30 हज़ार महीने की, कंपनी आपको तनख्वाह नहीं देगी, काम करते रहोगे कितने दिन करके दिखा दो, मुझे दिखा दो आप। एक महीने वाले दिन जोर जोर से चिल्लाने लग जाओगे कि सर पैसा नहीं, कंपनी ने पैसा नहीं दिया, क्या करें, एजेंट के कपड़े फाड़ने लग जाते हैं, आपने भेजा था कंपनी पैसा नहीं दे रही, समझ रहे हो बात को। रोज 250 से 300 कॉल आते हैं, उसमें से 70% कॉल फर्जी होते हैं। इनको कैसे रोका जाए, इनको रोकने का यही ऑप्शन है साथियों, मिनिमम। हालांकि मैंने 8-10 एडवोकेट से, काफ़ी सारे लोगों से डिस्कस किया, किसी ने बोला सर 11 हज़ार रुपये आप फीस ले सकते हो, किसी ने बोला कम कर दो 5100 3100, मैंने सिर्फ 1100 रुपये, ओनली फॉर 1100 रुपये दे के मेरे से आप किसी भी तरह की हेल्प ले सकते हो। इसका रीज़न मैं बता दूँ कि बिना पैसे भाई ये कुछ नहीं होता। कम से कम मैं 15 करोड़ रुपये लोगों के बचा चुका हूँ अब तक।
8-10 महीने के अंदर मैंने मलेशिया के सबसे ज्यादा 10 करोड़ के करीब, यानी एक मान के चलिए कि एक आदमी 1 लाख रुपए का होता है, जब वो विदेश जाता है तो 1 लाख रुपए मिनिमम उसको खर्च करने पड़ेंगे, और उसमें से अगर उसके साथ ठगी हो गई तो गया वो 2 लाख के नीचे, लाख जाने फिर आने के टाइम भी देना पड़ता है फिर उसका ब्याज। अगर वो इंसान मुझे कॉल करता है 1100 रुपये में, अगर उसको सही जानकारी सही मोटिवेशन, और ये नहीं कि वो 1 महीने के लिए, जब तक चाहे तब वो कॉल कर सकता है, यहाँ से विदेश जाने के बाद भी अगर उसको समस्या होती है तो मुझे कॉल कर सकता है, क्योंकि उसने फीस दे रखी है, वो मुझे कॉल कर सकता है। ये उसकी मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। 15 करोड़ साथियों मैंने लोगों के बचाए हैं, तो थोड़ा तो सोचना चाहिए ना कि कब तक लोग आदमी, चलो एक लिमिट टाइम होता है कि वीडियो के माध्यम से हेल्प हो रही है, भैया मैं तो कॉल बाकायदा सिस्टम लेके बैठा हूँ कि आप मुझे, पूरे दिन में बिजी होता हूँ 8 घंटे, शाम को 5 बजे भी फोन आते आते ही बंद करना पड़ता है मुझे, ये नहीं कि फोन आने बंद हो गए, 5 बजे फोन आ रहा है फिर भी स्विच ऑफ कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर फीस आप क्यों लोगे, तो मैं एग्जाम्पल दे दूँ भाई, सरकारी सिस्टम जानते हो सरकार की तरफ से फ्री होता है, अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे 10 रुपये की रसीद कटेगी आपकी, मानते हो इस बात को। अगर आप डॉक्टर के प्राइवेट के पास जाओगे 200-250-300 रुपये उसकी फीस होती है, फीस लेने के बाद पर्ची पे लिख के देता है दवाई। वकील के पास जाओगे कोर्ट में फीस लगेगी आपके, CA के पास अगर आपको रिटर्न फाइल करनी है फीस लगेगी, पुलिस थाने में भी जाओगे ना तो भी आपका रसीद कटती है वहाँ पे, किसी न किसी चीज़ में कैसे भी आपको रसीद काट के पकड़ा देंगे। कोर्ट में जाओगे अगर कोर्ट में कोई बंदा गया तो कोर्ट तो दोनों तरफ से लेती है, वादी और परिवादी से, दोनों से पैसा वसूलती है, ठीक है। बोलने को कोर्ट है फ्री है, फ्री में कुछ नहीं होता। पटवारी के पास जाओगे आपके खेत की नकल आपको लेनी है फिर भी वो पैसा लेगा 100-150 जो भी होती है, और एक नंबर में रसीद, दो नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, एक नंबर में रसीद काट के। पंचायत समिति में जाओगे पैसा लगेगा, यहाँ तक कि गवर्नमेंट पानी का भी पैसा लेती है अपने से, घर में अपने नल जो आता है पानी आता है 100-150 रुपये महीने के लगते हैं ना, पैसा लेती है। बिजली का बिल यानी सरकार की तरफ से है ना, फिर भी बिजली का बिल लगता है। रेलवे स्टेशन पे भाई जाके देख लो आप, रेलवे स्टेशन में घुस जाओ, घुसने के 10 रुपये पर्ची के होंगे तब आप अंदर जा सकते हो, वरना TI ने वहाँ पे TT ने पकड़ लिया तो जुर्माना डाल देंगे 500 रुपये की रसीद। पार्किंग में सरकारी पार्किंग सरकारी जगह है वहाँ पर भी आप कार या गाड़ी मोटरसाइकिल खड़ी करोगे 10 रुपये की रसीद कटवानी पड़ेगी। मतलब ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि भैया पैसा लगता है, बिना पैसे कुछ नहीं होता। अब मुझे आप कमेंट करोगे सर भाई मैं डिग्री लेके बैठा हूँ, या तो मैं कोर्ट प्रैक्टिस करता मेरा वहाँ जो भी होता मैं मेरे हिसाब से एडजस्ट करता, या फिर अगर इस सिस्टम में घुस गया और मैंने ये बोल रखा है कि भाई जो मेरे पास कॉल आएगा अगर वो मेरे से पूछता है तो ये मान के चलिए 100% जो मैं बताऊंगा उसमें नो डाउट, मतलब मैंने अगर बोल दिया कि हाँ अगर ये काम सही है आप ऐसा कर लो तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, समझ रहे हो बात को। लेकिन ये तो चलो छोड़ो, तो बड़ाई करने की बात हो गई, बात वही है भैया पैसा अगर आप देते हो तो आपको आपकी जिम्मेदारी बनती है मेरे से पूछने की, मेरी भी जिम्मेदारी बन जाती है क्योंकि आपने मुझे फीस दी है। लीगल तरीके से 1100 रुपये फीस मैं लेने वाला हूँ अब आगे आने वाले टाइम में, कल से परसों से जो भी होगा। हाँ अगर आप वीडियो देख लो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप कॉल करके मुझसे कुछ पूछते हो, अगर आप 1-1.5 लाख, 2 लाख रुपए विदेश जाने के नाम से खर्च करने की सोच रहे हो या कर रहे हो तो भैया 1100 रुपये और कर दो ना, ताकि आपको सही गाइड मिल जाए। और एक और बता दूं भैया, लोगों को फोकट में खाने की आदत पड़ी है, बात कड़वी है, लोगों को चाहिए फ्री फोकट में। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास 4 कॉल आए, मैंने बोला, उन्होंने पूछा सर ये ऑफर लेटर ये वीजा फलाना ढिमका, मैं बोला सर 1100 रुपये फीस है आप दीजिए अकाउंट में डालिए उसके बाद मुझे कॉल करिए, उन चारों बंदा का कॉल नहीं आया मुड़ के। ये 70% में लागू होते हैं, ठीक है 70% में फेक कॉल हैं, बस नंबर मिल गया फोन कर लेते हैं, क्या पूछ लेते हैं, बताएगा तो ठीक है, नहीं बताएगा तो ठीक है। बोला सर बता दो, मैं एक आदमी पंजाब से मेरे पास 6 महीने से रेगुलर फोन कर रहा है, अब उनका मलेशिया का वीजा आ गया सर, इसमें A2B इसमें ये है वो बोलता है चेंज हो जाएगा। मैं बोला सर आप 6 महीने से कॉल कर रहे हो, आप अभी मैंने स्टार्ट किया, 1100 रुपये फीस डालिए मेरे अकाउंट में फिर मुझे कॉल करें, मैं 100% आपको सही जानकारी आपको मिल जाएगी। उस बंदे ने बोला ठीक है सर अकाउंट नंबर डाल दो, आज कल का ही बात है 2 दिन हो गए मुड़ के फोन, मतलब ही नहीं है। सबको लोगों को फ्री में खाने की आदत पड़ गई भाई, अब उनको मतलब नहीं है, आप जा रहे हो भाई कमाने के लिए जा रहे हो ना, तो मैं यहाँ किस लिए बैठा हूँ। ठीक है एक लिमिट थी, मैंने अगर वीडियो अब सिस्टम में घुस गए 22 घंटे यूट्यूब पे आपके माध्यम से लगा दिया तो फिर मेरा क्या होगा, मेरी इनकम मेरा बिजनेस का क्या होगा। आपको भी घर खर्चे में जरूरत पड़ती है ना, आपको पैसा कमाने के लिए तभी तो जा रहे हो ना विदेश, अगर बहुत सारा पैसा घर पे पड़ा है तो फिर विदेश जाने की क्या जरूरत है मोटे पैसे ब्याज पे उठा के। हर इंसान की वही बात लागू होती है। तो शॉर्ट में तरीका कहने का मतलब है कि ये बातें मैंने समझा दी आपको, 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन मिनिमम मैं 1100 रुपये, मेरे पास अगर जेन्युइन कोई बंदा कॉल करता है तो 1100 रुपये दे के सही जानकारी सही गाइडेशन ले सकता है, अगर ये अच्छा नहीं लगता। दूसरा ऑप्शन है मोबाइल नंबर स्विच ऑफ,
समझ गए बात को, नंबर ही नहीं दें। और भी जैसे वीडियो चलते रहे ना, वैसे वीडियो देखो, कॉल ही नहीं करोगे तो पैसा देने की नौबत ही नहीं आएगी, समझ रहे हो बात को। और भाई यार, 1000 रुपये में अगर आपको सही गाइड 2 साल तक की बढ़िया जानकारी मिल रही है तो मुझे नहीं लगता कि आपको लॉस हो जाएगा, वो थोड़ा सा मन का वहम है। आप सोचें और कमेंट जरूर करें साथियों इसमें, हालांकि करना मुझे है, जो मैं कुछ करूंगा उस हिसाब से देख लूंगा, लेकिन आप लोगों की क्या सोच है कि हर इंसान फ्री फोकट का लेना चाहता है या कुछ देख के कुछ लेना चाहता है, समझ रहे हो। पैसा देके कोई चीज लेते हैं तो उसमें मजा आता है, फ्री पॉकेट में मिली है तो उसकी वैल्यू नहीं होती फिर, समझ रहे हो बात को। तो थोड़ा सा आप कमेंट करें इस सिस्टम में, मैंने इसीलिए वीडियो बना के डाला, हालांकि मैं बोलने को ऐसे भी बोल सकता था, लेकिन नहीं, जो है आप लोगों के सामने है, जो होगा आपके सामने होगा। इसमें दो एक फायदा और है, जो लोग बोलते हैं अशोक आप तो एजेंट हो, कमेंट पढ़ता हूं मैं, आप तो एजेंट हो, ये तो दलाल है, उनके मुंह पे पट्टी बन जाएगी, क्योंकि मेरे पास लोगों के कॉल ही आने बंद हो जाएंगे, कॉल करेगा भैया पैसे पैसा डालो, ताकि कम से कम इस सिस्टम से तो मैं निकल जाऊं ना, कि लोग मुझे एजेंट समझने लग गए, आप एजेंट हो, मेरे पर्सनली मैसेज आते हैं एजेंट हो गए, आप चूते आप तो एजेंट हो, ये हो वो, कॉल करने के ही मैं पैसा ले रहा हूं, तो एजेंट की तो कोई मतलब ही, बाद में बात खत्म हो जाएगी। तो ठीक है साथियों, बिल्कुल शॉर्ट लंबा हो जाएगा फिर वीडियो, तो आप कमेंट कर दें कि आपकी क्या राय है। ठीक है साथियों, जय हिंद।